नमस्कार दोस्तों, किसी भी करदाता द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाने के बाद में अपनी रिटर्न का वेरिफिकेशन या ई वेरिफिकेशन किया जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया या चरण। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा वेरिफिकेशन अथवा ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में, उसकी समयावधि के संदर्भ में, उसके इफेक्ट के संदर्भ में कुछ चेंजेस किए गए। तो रिसेंट सीबीडीटी नोटिफिकेशन क्या है, उसके थ्रू क्या चेंजेस एप्लीकेबल होंगे, ये मुख्य मुख्य बिंदु लेकर के मैं आज की इस वीडियो से आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 डेटेड 29 जुलाई 2022 के रिलेवेंट टैक्स से, जिसमें यह कहा गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न डेटा ऑन और आफ्टर द डेट दिस नोटिफिकेशन कम्स इनटू इफेक्ट, द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ आईटीआरवी शैल नाउ बी 30 डेज from the date of transmitting public uploading the data of return of income electronically। आप सबको ध्यान होगा कि ई वेरिफिकेशन करने के लिए या वेरिफिकेशन करने के लिए हमें 120 डेज की समयावधि मिलती थी। अब सर, ये जो सीबीडीटी नोटिफिकेशन आया, इसने इस समयावधि को घटा करके 30 दिन कर दिया। आपके सामने प्रश्न होगा कि अनूप जी, ऐसा क्यों कि सिग्निफिकेंटली टाइम रिड्यूस कर दिया गया? प्रोबेबली दोस्तों, मेरा यहाँ पर मानना है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी रिटर्न के बेसिस पर असेसी का असेसमेंट करना चाहता है, जिसे हम स्क्रूटनी असेसमेंट कहते हैं, तो स्क्रूटनी असेसमेंट की समयावधि में अंडर सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स लॉ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम लिमिट कर दिया गया। उस रिडक्शन इन टाइम लिमिट के अनुरूप आपको आईटीआर की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूर्ण करनी पड़ेगी। तो सीबीडीटी ये चाहती है, भारत सरकार ये चाहती है कि यदि आपके रिटर्न फाइल होने के बाद टाइमली ई वेरीफाई भी हो जाएगी विद इन 30 डेज, तो उनको स्क्रूटनी के केसेस सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो मेरी ओपिनियन में प्रोबेबली ये वन ऑफ द रीजन है कि टाइम लिमिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने बात रखी कि पहले 120 डेज का रूल चलता था, अब ये क्लियर किया है सीबीडीटी ने इस नोटिफिकेशन में, इट इज क्लेरिफाइड दैट वेयर द रिटर्न डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बिफोर द डेट ऑन विच दिस नोटिफिकेशन कम्स इनटू इफेक्ट, द अर्लियर टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज वुड कंटिन्यू टू अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न। मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा सर, ये नोटिफिकेशन प्रभाव में आएगा 1 अगस्त 2022 से। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक भर दी होगी, एक्सेप्ट दोस्त जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। आप इसको ऐसे समझें कि यदि आपने अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2022 तक भर दी है, तो आपको अभी भी वेरिफिकेशन के लिए या ई वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन के टाइम लिमिट उपलब्ध होगी। परंतु यदि आपने अपनी रिटर्न 1 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स फाइल की है, तो आपको सर वेरिफिकेशन या ई वेरिफिकेशन करने के लिए मात्र 30 डेज का टाइम लिमिट ही मिलेगा। दोस्तों, अभी सीबीडीटी नोटिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं जिन्हें आपके सामने रखता हूं। पहला बात किया है, वेयर आईटीआर डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड एंड ई वेरीफाइड आईटीआर बी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इन सच केसेस द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली शेल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। टू पुट इट सिंपली, अगर आपने 30 डेज की समयावधि में अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करा दी, तो आपने जिस दिन को रिटर्न ओरिजिनली भरी थी, उसी दिन को वो फाइल की गई मानी जाएगी। मान लीजिए आपने उस समय अवधि में उसे वेरीफाई नहीं किया, वेयर द आईटीआर डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बट ई वेरीफाइड और आईटीआर वी सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इन सच केसेस द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन आईटीआर वी सबमिशन शेल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर द एक्ट शैल फॉलो। मैं इसे एक उदाहरण से ऐसे रखता हूं कि सपोज अगला असेसमेंट ईयर आएगा सर, अब असेसमेंट ईयर 23-24, जिसके लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट होगी 31 जुलाई 2023। मैं मान लेता हूं किसी सज्जन ने अपनी रिटर्न लास्ट डेट पर 31 जुलाई 2023 को भरी, उन्हें 30 दिन के अंदर यानी 30 अगस्त तक अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना होगा। अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करी, मान लीजिए उस समय उन्होंने 9 सितंबर 2023 को ई वेरिफिकेशन कराया, तो सर उनकी रिटर्न 31 जुलाई की जगह किस दिन भरी गई मानी जाएगी? 9th of September। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि उनकी रिटर्न जो एक टाइमली फाइल रिटर्न थी, फिर वो बी लेटर रिटर्न बनेगी। न केवल बी लेटर रिटर्न भरेगी सर, इसका इंपैक्ट फीस पर भी आएगा कि उनको 234F में फीस देनी पड़ सकती है, और इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट पर भी आएगा जो सेक्शन 234A में लगेगा।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि चलिए इस साल तो ज्यादातर लोगों ने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न भर ली, और जब रिटर्न भर ली तो उन्हें 120 दिन की समयावधि भी मिल गई। अगले साल के लिए इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होगा। साथ ही दोस्तों, ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपके सामने रखी, इसका इम्पैक्ट उन असेसीज के लिए भी सिग्निफिकेंट होगा जो ऑडिट में आते हैं और जिनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर 31 अक्टूबर है, क्योंकि अभी वो डेट तो आई नहीं। तो जब 31 अक्टूबर 2022 कोई व्यक्ति रिटर्न भर देगा जिन पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है और उनके लिए ड्यू डेट में 31 अक्टूबर मानूं, ऐसी परिस्थिति में अगर वो 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न भरते हैं और उसे 30 दिन में वेरीफाई नहीं करवा पाते, तो बाद में उनकी रिटर्न को क्या मान लिया जाएगा? बिलेटेड रिटर्न। इसके इंपैक्ट दोस्तों लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड पर भी आएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स व्हिच वी हैव टू डेवलप फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। दोस्तों, अब क्विकली आपके सामने ई वेरिफिकेशन कैसे करना है वो विंडो रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन किया, आप ई फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करिए, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा ई वेरीफाई रिटर्न। आपको ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना होगा यदि आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो क्विकली आपके सामने ये भी बात रखता हूं कि मोड्स ऑफ ई वेरिफिकेशन क्या है। वहां आपसे जैसे ही आप ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, अगली विंडो खुलेगी, वो पूछेगी हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई रिटर्न, आप अपनी रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कैसे करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, या आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यदि आपका मोबाइल आधार से जुड़ा है तो आपको आधार का एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इंसर्ट करना है, आपका ई वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा। आपको ये चेक करना है यदि उस प्रक्रिया में कोई बाधा है तो आप आधार की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार नंबर के साथ कौन सा मोबाइल जुड़ा है। कई बार हम भूल जाते हैं। यदि आपका आधार प्रक्रिया पूरा नहीं हो रहा तो आप डिजिटल सिग्नेचर बना के भी ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी ई वेरिफिकेशन हो सकता है, जिसमें नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट फैसिलिटी आपके लिए सहायक होगी। यदि आपके पास ऑलरेडी एक ईवीसी हो या ऑलरेडी एक ओटीपी हो तो आप यहां पर रिलेवेंट ऑप्शन को क्लिक करके भी अपनी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एट द एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की इंपॉर्टेंस और उसमें आए चेंजेस की इंपॉर्टेंस बताने में सहायक सिद्ध होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।